इसके बाद दोस्तों हम आपको एक और जगह आपको हम दिखाते हैं, हमारे गांव में ही है। वहां पे कहते हैं कि उस जगह पे बहुत ही कभी जो मुगल बादशाह जब यहाँ पर राज करते थे उस जमाने में यहाँ पर लड़ाई हुई थी और बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई हुई थी। और उसमें एक किला और वहाँ पर जो मूर्तियाँ भी लगी थी वो भी खंडित हो गई हैं। और दिखाते हैं आपको उस जगह, उसमें अब कुछ नई चीज़ें बदलाव बहुत आ गया है क्योंकि उसकी कोई देख रेख तो है नहीं और कुछ नई चीज़ें उसमें जुड़ गई हैं, तो उसके साथ में हम आपको आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों वो जो जगह है वो ये जो पीपल का पेड़ लगा हुआ है इसी इसी के ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ दूरी पर ही है, हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये वही जगह है, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं किले की दीवार है और इसमें ईंटें भी देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वही जगह है। और ये बहुत दूरी तक फैली हुई थी लेकिन अब इतनी ही जगह बची हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये कहाँ तक है, ये जहाँ पर वो एक कंडे की जो वो लगी हुई है वहाँ से भी बहुत दूर थी। और ये कुछ नई चीज़ें आई, ये पेड़ अभी नए लगाए गए हैं और ये जो बना हुआ है अभी ही बना हुआ है और ये भी पेड़ अभी बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई थी, बहुत बड़ी मूर्ति, और जो जो पड़ी पड़ी हालत में थी तो उसको निकालने की कोशिश करी गई लेकिन वो निकली नहीं, तो उसको ऐसे ही इसको चबूतरा बनाकर अभी नया ईंटों से इसको ढक दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये आप ईंटें देख सकते हैं इसकी, ये देखिए ये ईंटें यहीं पे लगी हुई थी। और कहते हैं इस जगह पे खुदाई करने पर कुछ कंकाल भी निकलते हैं, ये आप देख सकते हैं ईंटें लगी हुई हैं, ये ईंटें बहुत पुरानी हैं और लगभग हम लोगों के बहुत पुरानी, मतलब मुगल बादशाह जो मुगल बादशाह जब यहाँ पर राज करते थे उस जमाने में हैं। तो कहते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा आलीशान एक किला बना हुआ था और कुछ कबीले यहाँ पर रहते थे, तो बाहरी लोगों ने इन पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण में उन्होंने सब कुछ यहाँ पर तोड़ दिया और यहाँ तक कि किले को भी एकदम बर्बाद कर दिया, कुछ भी यहाँ पे नहीं रखा। और कहते हैं इसके यहाँ पर तो खुदाई नहीं करी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो आसपास थोड़ी अगर कहीं खुदाई की जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई बड़ा बड़े कंकाल टाइप के निकलते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना है हमने। मूर्ति दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की मूर्ति हैं और ये टूटी हुई है, इन मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत अच्छी इसमें सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई थी, ऐसी बहुत सारी मूर्ति थी अभी इतनी ही बची हुई है। ये आप देख सकते हैं और यहाँ पर एक दीवाल भी बनी हुई थी, काफी मोटी दीवाल, इतनी मोटी कि उसमें लगभग कम से कम लगभग 8 फीट 8 फीट की ऊंचाई तक यहाँ पर दीवाल बनी हुई थी। वो जो जहाँ पर आप देख रहे हैं जो कंडे की वो लगी हुई है वहीं से ही, और
बहुत दूर तक एक दीवार बनी हुई थी, अब तो नहीं मिलती है उसमें, अब कुछ ज़्यादा कुछ उसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत है, तो हमने सोचा आपको भी हम एक बार दिखाते हैं। तो आपने देखा इसको गढ़ी के नाम से जाना जाता है, और इसी में ही ये सब चीज़ें हैं, और बहुत ही पुराना है।